नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला व्यवस्थित वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, झाझा लगातार सच संवर रहा है। भले अभी अनुमंडल नहीं बना, लेकिन झाझा की जमीन आज भी आसमान छूती इसकी कीमतें। ऐसे में आज गैलेक्सी इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर नामक दुकान खोले हैं झाझा कलासी मल्ला के आफ्ताब अहमद। एक तरह से उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम जनता की सेवा में समर्पित कर रहे हैं अपनी दुकान। जिस तरह से उनका गुडविल है समाज में, उनका कहना है कि हम क्वालिटी से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे, ग्राहकों को सम्मान के साथ सामान देंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। युवा स्मार्ट झाझा के एक और नागरिक जुड़े हैं। आज जो सर खुला है यहाँ झाझा में, एक तरफ की गैलेक्सी इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर के गैलेक्सी, कैसा लग रहा है? जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है और झाझा दिन ब दिन डेवलप कर रहा है और ये दिन दूर नहीं है कि ये झाझा महानगरों में गिनती में आ जाएगा। जी, क्या नाम है सर आपका? जी, शकील अहमद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ अब्दुल कलाम अंसारी। जी जी, आते नंबर वार्ड पूर्व वार्ड पार्षद। अच्छा, ये इस तरह की दुकानें खुलना कैसा लगता है? ये झाझा का विकास और बढ़िया से होगा। ऐसा ऐसा दुकान 10-20-50 खुले और कई मॉल भी खुले और पूरा इलाका में जो भी इलाका बैकवर्ड है उस इलाके में इस टाइप का अगर 10-20 शोरूम हो गया, यहाँ के पब्लिक के लिए बहुत अच्छा फैसिलिटी होगा। कंपटीशन में सामान और बढ़िया मिलेगा। जैसे आप देवघर जाते हैं, जमुई जाते हैं, पटना जाते हैं, उसी रेट में यहाँ सामान मिलेगा। वहाँ जाने की जरूरत नहीं लग रहा है, झाझा में सारी चीज़ें मिलेंगी। बस बस। क्या नाम है आपका? और मुखिया जिला कला फखरुद्दीन अहमद। जी जी जी, इस तरह से दुकानें खुलना कैसा लगता है फखरुद्दीन? झाझा में इस तरह का दुकानें खुलने से झाझा का लोगों का मनोबल बहुत आगे बढ़ रहा है। हम लोग का जो क्वालिटी का माल नहीं मिल पाता था, आज ये सब दुकान खुलने से झाझा में बहुत क्वालिटी का माल मिलेगा और हम लोग जो बाहर से माल लाते थे वो अब झाझा में ही मिलने लगेगा। आम जनता से क्या अपील कर रहे हैं आप? आम जनता से यही अपील करेंगे, जो बाहर से आप माल लाते हैं पटना देवघर तो जाते हैं, आप झाझा में आपको वो माल कंपनी का मिलेगा और अच्छे रेट में मिलेगा। इससे दुकान में आने से हम लोग को बाहर जाने की आप नौबत नहीं आएगी। मेरा नाम वसी अहमद। इस तरफ से दुकान खुलना कैसा लग रहा है? आप तो बाजार में रहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, दुकान खुलने से झाझा वासियों को बहुत फायदा होगा, अच्छा क्वालिटी का माल मिलेगा और जो बाहर लोग जाते हैं तो सब सारा सुविधा यही मिल रहा है, जिसका हम बधाई देते हैं आफ्ताब को जो दुकान खोले हैं और झाझा वासी के लिए अच्छा। आफ्ताब अहमद जुड़े दुकान के मालिक हैं। सर, क्या क्या सुविधाएँ दे रहे हैं आप ग्राहकों को? ये एक कैंपस में इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर की सारी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। प्लाई ब्रांडेड कंपनी की प्लाई, जैसे सेंचुरी और फिटिंग्स की सारी सामान यहाँ उपलब्ध है। इलेक्ट्रिकल गुड्स में भी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और सर, कंपटीशन का दौर है आज झाझा में, कई दुकानें हैं, तो उसमें उस जगह सर कहाँ देखते हैं आप अपना, कैसे ग्राहकों को लुभा पाएंगे? सर, हम एक नंबर सामान बेचेंगे जिसमें कोई ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट या इस किस्म की कोई बात होगी। एक नंबर सामान होगा, मुनासिब रेट में मुनासिब कीमत पर कस्टमर्स को दिया जाएगा। जो आपके चाहने वाले हैं बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा कंपटीशन का भी दौर है सर। देखिए, मेरे ताल्लुकात तो बहुत लोगों से है और मैं जो अपना सामान बेचूंगा सम्मान के साथ। जी जी जी, उसमें किसी तरह का भेदभाव या किसी किस्म की कोई डुप्लीकेसी भी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, जी जी। उसकी गारंटी है, किसी भी समय कोई भी चैलेंज कर सकता है उसमें कोई। क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम अपील यही करेंगे कि आप हमारे दुकान पर आएँ और जो सामान हमारे यहाँ उपलब्ध है अच्छे कीमत पर आप सेवा का मौका दें। और सेवा का मौका, झाझा का जाना माना चेहरा जुड़ रहे हैं जो इस उम्र में भी बहुत स्मार्ट हैं। सर, इस तरह से दुकानें खुलनी कैसा लग रहा है? सर, झाझा में बहुत सारी दुकानें आफ्ताब ने आज खोली है दुकान को, तो क्या शुभकामना बाबू द्वारा? ये जो हार्डवेयर एंड दुकान खोली गई है, जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता का ये कहना है कि नो कम्प्रोमाइज, डुप्लीकेसी से कोई कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और मैं आफ्ताब बाबू के लिए शुभकामना करता हूँ कि अच्छी सामान ब्रांडेड सामान बेचें और संतुष्ट करें ग्राहक को। क्या अपील करना चाहें सर मेरे चैनल के माध्यम से आम जनता? वेरी गुड, आपका चैनल ही तो तहलका मचाया हुआ है जम्मू जिला में। श्रीमान, गरीबों से गरीबों तक आप आवाज़ पहुँचा रहे हैं, जहाँ आदमी नहीं जा सकता वहाँ पहुँचाते हैं। ये आपकी तारीफ करूँ
या आपकी हिम्मत की तारीफ करो, ये मुझसे कहने में नहीं बन सकता है। सुबह जी, एक तरह से दुकान खोलना, आप तो मकान मालिक भी हैं, तो कैसा लग रहा है? मैंने झाझा सच समझ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो इस दुकान का जो क्वालिटी है सामान का, एक अलग तरह का लग रहा है हमको। इसमें से जो हम चाह रहे थे, यहाँ बहुत से दुकान में खोजना चाह रहे थे, एक नया सामान मिलने के लिए जा रहा है। अच्छा, तो इसमें हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं कि ये दुकान आगे बढ़े और जैसा लोग ग्राहक चाहते हैं उसके अनुकूल सामान मिले, और आगे हम दुकानदार भाई को, सभी ग्राहकों को यहाँ पे आभार प्रकट करते हैं कि इस दुकान में आकर के अपना सामान लें। झाझा के एक और युवा चेहरा जुड़ रहे हैं आज इस तरह से दुकानें, जो इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर जो गैलेक्सी खुला है झाझा में, क्या शुभकामनाएं, कैसा लगता है? समीना, काफ़ी दुकान भी काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी अच्छा कनेक्शन भी है। मुझे लगता है कि झाझा वासी के लिए एक नया सेगमेंट है और ये काफ़ी अच्छा दुकान उभरेगा, ये ऐसा मुझे लगता है। और इस दुकान के ऑनर आफ्ताब मामा को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आफ्ताब साहब को उम्मीद है ये दुकान बहुत अच्छा तरक्की करेगी। सच सवर रहा है आज इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी हार्डवेयर नामक एक दुकान बहुत ही खूबसूरत खुली है झाझा की जनता में, जनता की सेवा में समर्पित आज फिर से एक दुकान। जिस तरह झाझा में नई नई बिल्डिंगें बन रही है, लगता है झाझा भी हमारा महानगर में बहुत जल्द तब्दील होगा। दुकान का ऑनर हमारे साथ जुड़ेंगे, क्या क्या सुविधाएं होंगी मैं बताऊँगा आपको।